तो नमस्कार, आज हम बात करने वाले हैं इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के बारे में, आधार कार्ड से यूपीआई के बारे में। क्या इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में आधार से यूपीआई वाला फीचर आएगा, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और साथ ही साथ इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का क्या इस पे रिप्लाई है, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। जैसा कि आपको मालूम है कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के एप्लीकेशन में आपको यूपीआई की सुविधा मिलता है, लेकिन वहां पर ऐसा कोई भी नियम नहीं है कि आप जो है डेबिट कार्ड से ही यूपीआई का इस्तेमाल कर सकते हैं। जिनके पास इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का खाता है, उसमें ऑलरेडी फीचर दिया गया है, एक ऑप्शन बनाया गया है जिससे आप यूपीआई यूज कर सकते हैं। लेकिन हालांकि यहां पे बात यहां आता है, जब ऑप्शन ही नहीं है यूपीआई पिन बनाने का, तो आधार कार्ड से यूपीआई पिन कैसे बनेगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं, जैसे कि आपको एक वर्चुअल डेबिट कार्ड जारी किया जाता है, अगर आप इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के ग्राहक हैं तो आपको एक वर्चुअली तरह से एटीएम कार्ड या डेबिट कार्ड आप कह सकते हैं, वो आपको जारी किया जाता है। तो उससे जो है आप फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, जितने भी मार्केट में यूपीआई से रिलेटेड एप्लीकेशन है, उसमें आप जो है ये सर्विस इस्तेमाल कर सकते हैं, बना सकते हैं। उसी शर्त पे जब आपका वर्चुअल डेबिट कार्ड जारी हो जाएगा, तो अब आप जो है फोन पे, गूगल पे, यहाँ की भीम यूपीआई एप्लीकेशन में, पेटीएम में जो है अपना इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक अकाउंट को लिंक करके तब आप जो है आधार कार्ड से यूपीआई पिन बना सकते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आप इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में यूपीआई पिन बनाना चाहते हैं तो क्या टर्म एंड कंडीशन रहेगा। बिल्कुल सेम है, जो आपके आधार में मोबाइल नंबर रजिस्टर है वही आपके खाते के साथ होना चाहिए, जो खाते के साथ मोबाइल नंबर रजिस्टर है वही आपके आधार के साथ मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ होना चाहिए। तो ये है आपके टर्म एंड कंडीशन। दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आप भीम यूपीआई एप्लीकेशन यूज करते हैं, उसमें आप इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक अकाउंट को ऐड करके रखे हैं, तो सबसे पहला जो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है, जैसे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, भीम यूपीआई एप्लीकेशन, तो इनमें से सबसे पहले किसमें आधार से यूपीआई पिन बनाया जाएगा, वो है भीम यूपीआई एप्लीकेशन में। तो उसको जो है आप बना लीजिए अकाउंट, उसमें जो है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को ऐड कर लीजिए, और जब ये इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ये सर्विस चालू करेगा कि आप आधार से यूपीआई पिन बना सकते हैं, तभी यह संभव है। अभी ऐसा कुछ भी अपडेट इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के तरफ से नहीं आया है, तो जब ये अपडेट आएगा तब आप जो है इस प्रोसेस के साथ भीम यूपीआई एप्लीकेशन में आधार से यूपीआई पिन बना सकते। लेकिन इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का जो ऑफिशियल एप्लीकेशन है IPPB मोबाइल बैंकिंग, उसमें ये नहीं बना सकते, क्योंकि वहां पे यूपीआई पिन बनाने का कोई भी ऑप्शन नहीं दिया गया है। तो आप सबको क्लियर हो चुका होगा कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का जो ऑफिशियल एप्लीकेशन में है, उसमें जो है आधार से यूपीआई पिन बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं। हालांकि इसमें जो है NPCI अपडेट दे दिया था कि 30 जून तक के अंदर में सभी बैंक जितने भी हो, पेटीएम पेमेंट बैंक हो, चाहे इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, कोई भी बैंक हो, डेडलाइन जो जारी किया गया है 30 जून तक, तो 30 जून तो अब खत्म हो चुका है, निकल भी चुका है, अब तो जुलाई आ चुका है। तो NPCI की तरफ से अभी कोई भी ऐसा बड़ा अपडेट नहीं आया है इसको लेके, आधार से यूपीआई पिन बनाने को लेके। तो जब भी कोई अपडेट आता है NPCI की तरफ से इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के बारे में, तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं।